केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का प्रमुख सुरक्षा बल है, जिसने शुक्रवार को नीलेश मिश्रा के स्लो कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ बहादुरी की कहानियों को अभी अभी लॉन्च किए गए स्लो ऐप के द्वारा शेयर करने का एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सीआरपीएफ एक शानदार इतिहास रखने वाला भारत का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लगातार अपना योगदान संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और शांति काल में दे रहा है। सीआरपीएफ ने कई महत्वपूर्ण स्थितियों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने में विभाजन के समय शुरू होने वाला देश जम्मू व कश्मीर में आतंक से निपटना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, नक्सलियों के क्षेत्रों में पामाल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने कहा कि सीआरपीएफ देश का सबसे सुशोभित पुलिस बल है, जिसे 2112 वीरता पदक देश के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा भाव से देश की सेवा की, जिन्होंने 2224 बहादुरों का बलिदान किया है, जिन्होंने अपने देश की परवाह अपने और अपने साथी की जान से ज्यादा की। जवानों की प्रत्येक कहानी अपने साथ सहानुभूति, त्याग, मानवता और बहादुरी का पाठ लेकर आती है। माहेश्वरी ने कहा कि हमें खुशी है कि नीलेश मिश्रा के साथ हमारे संबंध न केवल हमारे बहादुरों के साथ होंगे, बल्कि उनके रिश्तेदारों और परिवारों की कहानियों को भी इसके माध्यम से दुनिया को बताना होगा। इस अवसर पर स्लो कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक नीलेश मिश्रा ने डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने विचार करते हुए कहा कि एक लेखक एक कहानीकार के रूप में मुझे लगता है कि अनसुनी कहानियों को अपनी आवाज दें हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ में जवान हमेशा देश के नागरिकों की सेवा और सहयोग के लिए आगे आते हैं। उनकी वीरता की हर कहानी प्रेरणादायक है और इस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। सीआरपीएफ को सार्थक और समृद्ध तरीके से 10 स्लो ऐप पर प्रस्तुत करने पर बहुत गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि सीआरपीएफ अधिकारी और जवान वीडियो पर ऑडियो और टेक्स्ट द्वारा ऐप पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही वो दिग्गज जो सेवानिवृत्त होकर भी समान मूल्यों के साथ अपने समुदायों की सेवा कर रहे हैं और वह ऐप में अपनी भागीदारी दे सकेंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ के बच्चों की उपलब्धियों को भी ऐप पर किया जाएगा और अन्य सामग्री जो दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक होगी। स्लो कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड अपने से जुड़े दर्शकों व श्रोताओं की आवश्यकताओं के लिए वीडियो और ऑडियो सामग्री बना रहा है, जो ऑडियो स्टोरी टेलिंग, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, द स्लो इंटरव्यूज, द स्लो कैफे, अपना टेल खाने का प्लेट, पाल माइक के द्वारा दर्शकों और श्रोताओं को उनके सरल जीवन की ओर जाने के साथ ही उन्हें फिर से उनकी जड़ों को जोड़ेगा। वे लोगों को अपना स्वयं का कंटेंट बनाने का अवसर भी देगा। स्लो कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड द स्लो मूवमेंट का एक हिस्सा है, जो हमें और हमारी जड़ों की ओर ज्यादा सार्थक जीवन एवं पुरानी परंपराओं की कर वापस लाने का एक ईमानदार प्रयास है। लखनऊ से अमन लेखनी, संवाददाता सरफराज खान। की अवैध निर्माण है, अनेक ऐसे निर्माण है जो सुरक्षा के लिहाज से भी आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, रेखी की संभावना यहाँ से बनी रहती है, तो इसका इसको लेकर के कोई आप लोगों ने कुछ स्थानीय प्रशासन से बातचीत करी है? हाँ, ये सतत कार्रवाई है, हमारी अपनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जहाँ ज़रूरत होती है हम स्थानीय प्रशासन से भी बात करते हैं और हम नागरिक जो हमारा समन्वय है उसके माध्यम से भी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सतत कार्रवाई है और हम करते रहते हैं, वो धीरे धीरे अब प्रभावी हो रहे हैं और उस स्थिति से निपटा जा रहा है। तो ये कहना है कि साहब हर चीज़ का यही विकल्प होगा कि हम गोली चला दें, वो भी पर्टिकुलरली अगर हाँ आतंकवादी घटना होती, कोई ऐसी घटना होती तो जरूर जरूर सीआरपीएफ। और आप देखिए कश्मीर में जहाँ आतंकवादी हमले होते हैं, ऐसी नक्सलवादी हमले होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग, इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारी फोर्सेस हैं इसलिए नॉन लीथल वेपन्स में भी माहिरी रखती हैं कि ज़रूरत नहीं है। और जहाँ विड्रॉवल इज़ ऑल्सो टैक्टिक्स, ऐसा नहीं है, विड्रॉवल भी एक टैक्टिक्स होती है उस वक्त देखते हुए कि हाँ भाई ऐसी चीज़ है, इसको हम कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक परिचालन कश्मीर में आप फ्रंट पे मतलब जिसको बोलते हैं कि लेसर फिटल लीथल मीन से कंट्रोल करने के लिए, जिसमें अश्रु गैस और ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए एक बल बनाया गया रैपिड एक्शन फोर्स। बाद में जब ये नक्सलवादी विद्रोह हुआ और जंगल वॉरफेयर, क्योंकि ये जंगल में होता था, एक नई तरह की रणनीति उसमें होती थी, तो जंगल वॉरफेयर में दक्ष एक बल बनाया गया जिसको कि हमने कोबरा के नाम से आप सब जानते हैं। कालांतर में रैपिड एक्शन फोर्स का भी विस्तार हुआ, जो 10 बटालियन से फिर 2018 में 15 बटालियन बनाई गई। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण महानुभाव हैं, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं देश के, उनको जब खतरे होने लगे तो धीरे धीरे सीआरपीएफ में एक वीआईपी सुरक्षा का यूनिट भी खुला। और जैसे आज की स्थिति में लगभग 60 से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करती है। तो सीआरपीएफ का जो कि एक बटालियन से शुरू थी 1939 में,